हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम कैपिटल गेन जो इनकम हेड है उसको हम पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट टाइम सिर्फ कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बारे में पूछा समझा था और उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जानने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जब एक कैपिटल एसेट है तो हम उसको क्यों डिवाइड किया, लॉन्ग टर्म में क्या क्या लॉजिक क्या उसके पीछे। तो देखो, कोई भी एसेट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसकी टैक्स रेट एक डिफरेंट है, और जो शॉर्ट टर्म एक कैपिटल एसेट है उसकी टैक्स रेट एक डिफरेंट है। तो नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है, अगर उसको आप सेल करते हो, सेल करने के बाद अगर मान लो आपको प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर एक ज़्यादा टैक्स रेट लगेगी कंपेयर टू अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते हो। इसका पर्पज़ क्या है, इसके लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सारे हैं। एक मेन लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी सीबीडीटी चाहती है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस चाहती है कि कोई भी एसेट आप खरीद रहे हो तो उसको आप परचेज कर लें, कि आप अपने पास रखो कुछ टाइम के लिए, पोजिशन के लिए। अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो और बेच रहे हो, खरीद रहे हो और बेच रहे हो, तो इट मीन्स यू आर डूइंग द बिजनेस। तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स रेट विल बी हायर। बट आपके पास कोई प्रॉपर्टी, मान लो कोई लैंड है, जब आपने एक बार खरीद लिया और आप उसको बेच नहीं रहे, आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद बेच रहे हो, तो इसका मतलब आप बिजनेस करने के लिए तो नहीं कर रहे। जैसे एक टाइम पे काफ़ी ट्रेंड हुआ था, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हुए तो वो कमीशन लेते थे, तो उसके साथ कई लोग क्या करते थे, अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते थे, जैसे उसका रेट बढ़ता था तो उसको बेच देते थे, फिर उस पैसे से फिर कुछ और जगह पे खरीद लेते थे, वहाँ से एक प्रॉफिट गेन करते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें दो तरह के कैपिटल एसेट पढ़ने जरूरी हो गए, वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अनदर वन इज लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल एसेट अगर किसी ने होल्ड किया 36 मंथ्स से ज़्यादा देर तक, 36 मंथ 3 साल से ज़्यादा फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट 3 साल से अगर ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया तो एक जनरल डेफिनेशन है अगर आपसे कोई पूछे। बट हमारा तो इनकम टैक्स एक्ट तो केमिस्ट्री की तरह, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि रुको भाई, हम थोड़ी सी आपको छूट देते हैं किसी किसी चीज़ के अंदर, गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है, कौन कौन सी छूट देते हो, तो बोला कि जो होल्डिंग पीरियड है आपका, जो होल्डिंग पीरियड है वो अगर 12 महीने तक है, अगर 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म। तो कोई भी सिक्योरिटी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इंडिया के अंदर लिस्ट है सिक्योरिटी के अंदर, सीएस भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, डेट भी आते हैं, बहुत तरह की सिक्योरिटी, कोई भी फाइनेंशियल एसेट अगर आपकी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में है, उसको मान लो कि आपने 1 जनवरी 2020 को ख़रीदा और उसके ठीक 12 महीने तक आपने होल्ड करके रखा, और आप नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2021 के बाद, अगर आपने 2020 में खरीदा तो 2021 एक साल हो गया, एक 12 महीने का पीरियड हो गया, तो उसके बाद अगर आप सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट करेंगे अगर उसके बाद सेल किया तो। अगर उससे पहले सेल किया तो लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, उसमें टैक्स रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं कोई भी यूनिट ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट एक यूनिट ट्रस्ट में ट्रस्टी रहते हैं, इज लाइक अ कंपनी ओनली, जैसे कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं तो कोई भी यूनिट ट्रस्ट रहेगी, उसके अंदर कुछ यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर मिक्स भी हो जाते हैं जैसे कई बार, तो उसकी इसके बारे में यूनिट ट्रस्ट क्या होते हैं, आगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे, बट इनके ऊपर स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई भी एक जीरो कूपन बॉन्ड, ये 4 चीज़ें हैं जिनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने का रखा है गवर्नमेंट ने, कि अगर 12 महीने से फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन आपने लिया और जिस दिन आपने बेचा, उसके बीच का पीरियड 12 महीने का होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी एसेट हैं जिनको हम 24 महीने तक रखा आपने तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और 24 महीने से बाद तक रखा तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो ऐसे कौन से, तो बोलता कोई भी शेयर ऑफ कंपनी। फिर आपके दिमाग में आ रहे, सर आपने तो बताया था, आपने बताया था कि कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड इन द RSE रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें कहा कि नहीं, कोई भी शेयर आप ले सकते हो, वैसे शेयर जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसके अंदर लिस्टेड ना हो, उसके अंदर वो पब्लिश ना हो, वो शेयर्स की रहेगी 24 मंथ। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। और कोई भी इमोबाइल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग आपको कम से कम 2 साल तक रखनी पड़ेगी, जैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करता है तो उसको अपने उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना टाइम है, तो उसके लिए 24 मंथ है। उसके अलावा जितने भी चीज़ बच गई, वो डेट ओरिएंटेड फंड है,
और कोई भी कैपिटल लाइक गोल्ड है, बुलियन है, कुछ भी बच गया, उसका होल्डिंग पीरियड जो इन में नहीं आया वो बाकी का सबका 36 मंथ रहेगा, जो कि हमारी जनरल डेफिनेशन बताती है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड की। कुछ डेफिनेशन हमें दी गई है इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में। तो कोई भी फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कोई भी फंड म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत सेक्शन 23D और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप, जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में भी इसको पढ़ा था, जिसमें एग्जेम्पशन नहीं है, कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 1 फरवरी 2021 जो मैंने बताया था उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है 1010D के अंदर, उसको हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलेंगे। या फिर और एंड उसमें कोई भी फंड, अगर मान लो एक फंड इन्वेस्ट किया है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिसकी ट्रेडिंग होती है, एक फंड इन्वेस्ट किया है यूनिट्स के अंदर किसी दूसरे फंड में, तो जो टोटल 90% मान लो कि एक हमारे पास एक हमने फंड का नाम दे दिया ए है, एक दूसरा फंड है बी, तो जो ए फंड के अंदर बहुत सारे, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारी कंपनियों के अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसको इन्वेस्ट करता है, अगर मान लो उस फंड का 90% प्रोसेड किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट होता है, मान लो ए वाले फंड ने अपना 90% प्रोसीड बी वाले को बेच दिया, बी वाले फंड में लगा दिया, और जो बी वाला है वो भी अपना 90% किसी ऐसी लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी में लगाएंगे जिनमें इक्विटी शेयर्स हो, तो 90% अगर फंड बी अपना इक्विटी रिलेटेड जो लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसको हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड मानेंगे। इसके अलावा बाकी के जितने भी केसेज हैं तो टोटल प्रोसीड का 65% कम से कम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो एक डेफिनेशन है इक्विटी ओरिएंटेड। मैक्सिमम फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड किसके बोलेंगे, अगर आपने कोई फंड इकट्ठा किया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते कि 10 लोगों ने आपको एक पैसा दिया और कहा कि आप प्लीज़ हमारा पैसा एक किसी म्यूचुअल फंड्स की तरह किसी कंपनी में लगाइए, तो आपके पास 10 लोगों के पैसे आ गए, अब आपको कहाँ कहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है, यू विल चूज सम कंपनी, और कंपनी चूज करने के बाद अगर मान लो आपने जितना फंड रिसीव हुआ उसका 65% से ज़्यादा आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, ना कि डेट और बाकी के शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं 65% तक तो ही, 65% से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अदरवाइज हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं बोलेंगे। उसके बाद बात आती है कि जीरो कूपन बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 48 में। देखो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉन्ड इशू करते रहते हैं, जैसे हमने गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के बारे में पढ़ा जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं जिनको कैपिटल एसेट नहीं, ऐसे तरह के बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो जीरो कूपन बॉन्ड ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इश्यू करे, गवर्नमेंट भी कर सकती है, या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और डेट फंड, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई होता है, और कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी भी, शेड्यूल बैंक भी, अगर 1 जून 2005 के बाद कुछ बॉन्ड इश्यू करते हैं कि आइए हमारे बॉन्ड परचेज करिए। जीरो कूपन बॉन्ड की खासियत क्या होती है, उसमें मैच्योरिटी से पहले आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। कई तरह के बॉन्ड होते हैं, मैच्योरिटी से पहले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली एनुअली मिलेगा या फिर क्वार्टरली मिलेगा या फिर हाफ ईयरली मिलेगा या फिर आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो जीरो कूपन, मतलब जो कूपन जीरो जिसके ऊपर कोई भी बेनिफिट ना मिले, उसको हम मैच्योरिटी से पहले, तो ऐसे बॉन्ड को, तो ये सब टर्म एंड कंडीशन है कि कौन कौन सी, और सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड होनी चाहिए, तो वो बॉन्ड भी अगर आपने किया तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड बताया, उसके लिए कम से कम कितना होना चाहिए 12 मंथ का। बाकी जो होल्डिंग पीरियड है वो कितने का होना चाहिए 24। तो इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आ गया होगा कि किसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, किसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। चलो इतना तो हमें पता चल गया कि ठीक है इसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि कैसे पता चलेगा कि ये एक साल के लिए रुका है, ये कैसे पता चलेगा कि ये दो साल के लिए है, उसमें कितना टाइम हुआ है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें एक नया लेक्चर पढ़ेंगे, इससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, कितने को हम बोलेंगे, कितना टाइम लेना चाहिए जब कंपनी लिक्विडेट होती है, तो कहाँ से कहाँ तक। चलिए ठीक है आपने ये बता दिया कि 12 महीने होने चाहिए, 24 महीने होने चाहिए, 36 मंथ होने चाहिए, बट कहाँ से टाइम लेना है,
किस चीज़ को हम ट्रांसफ़र, क्योंकि हमने कैपिटल गेन तो तभी राइज होगा जब ट्रांसफ़र होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो कहाँ से ट्रांसफ़र को हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, किस डेट को हम डेट ऑफ ट्रांसफ़र मानेंगे और उसके हिसाब से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कृपया करके आप ज़रूर मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।